नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का संकलन है हमारे पास, जिसका हम जिक्र यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हिंदी एकांकी के जनक। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हिंदी एकांकी का जनक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जो है सही करेंगे। फिर दूसरा है वीर गाथा काल को और किस नाम से जाना जाता है। वीर गाथा काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वीर गाथा को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नागरी प्रचारी सभा के द्वारा किसको आचार्य की उपाधि दी गई। या एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को नागरी प्रचारी सभा ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी को नागरी प्रचारी सभा ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद अगला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। जो भारतेंदु युग है वो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। इसके बाद हम जो है अगर एक और देखें, मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास विधा को मानव चरित्र का चित्रमात कहा है। अगर ऐसा आ जाए कि मानव चरित्र का चित्रमात मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को कहा है, तो आप उपन्यास बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आनंद कादंबनी के संपादक कौन है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है। जुलाई 1881 में ये पत्रिका जो है संपादित की गई थी, तो इसके जो राइटर हैं आनंद कंदम सॉरी कादम्बिनी के संपादक जिनको हम कह सकते हैं, तो वो बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम प्रेमधन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष तो 1943, यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता था। इसके बाद हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है। और साकेत, यदि बात कही जाए साकेत, तो साकेत को जो है मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है और ये राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। फिर कामायनी, कामायनी महाकाव्य है और इसमें सर्गों की संख्या 15 है। इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और ये आपके छायावादी युग के कवि हैं, लेखक हैं। इसके बाद गंगा अवतरण काव्य कृति के रचयिता तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर का बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। शिवा बावनी 52 छंदों का काव्य है ये, इसके राइटर या रचयिता भूषण है। इसके बाद अगला कठिन काव्य का प्रेत यानी कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को माना जाता है, ठीक है। फिर अगला है रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशीकृत पर ज्ञानपीठ, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये वीर रस प्रधान है उर्वशी। तो ये कुछ हमारे पास कलेक्शन था दोस्तों जो हमने आपको दिया, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। गुड नाइट।